तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को 6 वीडियो भेजी थी, दो दो करके कई दिन के अंदर, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजी थी। मेरे ख्याल में उन्हें पढ़ लिया होगा, वो बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको दी थी। अब हम हर पॉइंट को डिटेल में, उसकी तह तक, उसकी गहराई तक जाएंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम लोग पहले फ्लक्स से रिलेटेड, देखो जो आपने सबसे पहली वीडियो पढ़ी होगी उसमें आपने फैराडेज लॉज और लेंज रूल पढ़े होंगे। अब मैं उतना डिटेल में वो नहीं बताऊंगा, अब उससे आगे की चीजें बताऊंगा, क्योंकि आप लोग वो, मैं ये मान के चलूंगा कि जो वीडियो मैं दे रहा हूं उसे आप प्रॉपर तैयार करके आ रहे हो। फैराडेज लॉज में क्या था? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज चेंज, यदि किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस डी फाई बाई डी टी, जहां फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों ने चैप्टर मैग्नेटिज्म में भी कर रखे हैं। थीटा क्या होता है बेटा? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म में बहुत वीडियो, बहुत न्यूमेरिकल, बहुत थ्योरी करी, तो वहां का फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और यदि कॉयल में बहुत सारे टर्न्स हो तो एन बी ए कॉस थीटा फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी दो बातें मिला दूंगा। पहला मैंने कहा जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो बेटा। वेटिंग रूम में रिक्शा है। तीन बच्चे हैं, है बेटा? तो क्या बताया मैंने कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब एक टॉपिक आता है वेरियस मेथड्स टू प्रोड्यूस ईएमएफ, हम किस किस तरीके से ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं, तो जवाब है फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है। जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस थीटा। तो हम लोग तीन तरह से, बेसिकली तीन तरह से ईएमएफ इंड्यूस करना जानते हैं, बेसिकली और भी तरीके हैं लेकिन हर मेथड में फ्लक्स चेंज होना चाहिए। पहला मेथड है बाय चेंजिंग बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बदल के फ्लक्स चेंज करना। तुम्हें बताओ यदि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी। तो पहला है बाय चेंजिंग बी। ऐसा कब होता है कि यदि किसी, ये मेरे पास मैग्नेट है, एक कॉयल को मैं इसके पास ले आऊं या दूर ले जाऊं, तुम्हें मालूम है हर मैग्नेट के पास होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट से दूर होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड। हर मैग्नेट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ये मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यदि आप कॉयल को पास ले आए। हर बात को गौर से सुनना, यदि आप कॉयल को पास ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड वीक से स्ट्रॉन्ग में ले आए, यानी बी चेंज हो गया। क्या आपने क्वायल के नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए? नहीं। क्वायल का एरिया चेंज किया? बिल्कुल नहीं। एंगल में कोई फेर बदल? बिल्कुल भी नहीं। तो चेंज किसमें किया? तो जवाब है बी में। तो ये केस है बाई चेंजिंग बी का, क्वायल को मैग्नेट के पास लाना या दूर ले जाना, या फिर क्वायल वहीं रख के मैग्नेट पास लाना या मैग्नेट दूर ले जाना। ये सभी केस बाई चेंजिंग बी में आते हैं। तो यदि बाई चेंजिंग बी का केस है तो ईएमएफ क्या लगता है, कितना पैदा होता है ईएमएफ? तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, जहां फ्लक्स की वैल्यू है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स की वैल्यू है बी ए कॉस थीटा। अब यहां ना तो थीटा में कोई बदलाव हुआ है ना एरिया में कोई बदलाव हुआ है, ये कांस्टेंट है और जो चीज कांस्टेंट है बाहर चली जाएगी। तो माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा डीवी बाई डी टी, ये है हमारा ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो
और आपसे कहें हाउ मच ईएमएफ विल बी डेवलप्ड, तो आपका आंसर होगा माइनस, न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लगेगा, माइनस ए कॉस थीटा डीबी बाई डीटी। इस फॉर्मूले से ईएमएफ निकलेगा। दूसरा होता है बाय चेंजिंग ए, एरिया को बदल के, बाय चेंजिंग एरिया, ना मैं मैग्नेटिक फील्ड बदलू ना एंगल बदलू, मैं एरिया चेंज कर दू, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है उसे बदल दिया जाए। इसमें खुद दो सब केस होते हैं। मैं बेटा बच्चों को हमेशा एक एडवाइस करता हूं, होने को तो पीडीएफ नोट्स भी मिल रहा है, वीडियोस भी मिल रहा है, लेकिन जब तक अपने हाथ से ना लिखो तब तक तैयारी पक्की मत समझना बेटा कभी भी जिंदगी में कभी भी। तो जो मैं ये पढ़ाता हूं ना, ये वीडियो एक बार फिर देखा करो, ये मेरी एडवाइस है। देखो मैं आपके घर पे चेक करने नहीं आ सकता, और एक रजिस्टर लेके बैठा करो, अपने हाथ से लिखा करो कि क्या समझा रहे हैं। कई बार मैं शीट से काफी एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूं, तो वो आप पे अपने हाथ से लिख जाएंगी तो याद रहेगी। बाय चेंजिंग ए में दो केस है। केस नंबर वन, जैसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर एक स्क्वायर वायर था, स्क्वायर शेप में 11 सेंटीमीटर साइड का मैग्नेटिक फील्ड मान लो 2 टेस्ला था। अब मैंने क्या किया, विद इन 0.1 सेकेंड मैंने इस वायर की शेप बदल के सर्किल बना दिया। मुझे वायर को सर्किल बनाने में, स्क्वायर को सर्किल बनाने में 0.1 सेकेंड लगे, मान लो कुछ भी दे सकते हैं न्यूमेरिकल में। और अब सर करिए, सर वेटिंग रूम में भी है। अरे यार टाइम से नहीं आते बच्चे, ले लिया। तो मेरे बेटा ये मैंने 0.1 सेकंड के अंदर इसको स्क्वायर को सर्किल में बदल दिया, रेडियस 7 सेंटीमीटर का। कोई बात नहीं, डाउन कर दो करो को। माइक ऑफ। अच्छी है। हाँ। मैं दोनों की बैटरी निकाल कर रखी हूँ। मिला करते हो और तो क्यों? मेरा माइक बंद करने। मैं करूँगा रिचार्जिंग। है बेटा, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर था 11 सेंटीमीटर साइड का, जिसे मैंने सर्किल बना दिया 7 सेंटीमीटर रेडियस का। सर्कमफ्रेंस देखोगे वायर की, कुल लंबाई देखोगे तो यहां भी 44 सेंटीमीटर है, 11 11 11 11 44 सेंटीमीटर, और यहां भी सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है। 2 पाई आर से निकाल के देख लेना, पाई को 22/7 रखना, आर को 7 रखना, 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि वायर की शेप चेंज हुई है तो वायर का एरिया चेंज हुआ है। इनिशियल एरिया क्या था, तो जवाब है एरिया था 11 × 11 यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया क्या है, तो फाइनल एरिया है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7 इंटू रेडियस है 7 × 7, तो पाई आर स्क्वायर से 7 से 7 कट गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वही है, थीटा में कोई बदलाव नहीं हुआ, थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 क्यों है मेरे बेटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर, और मेरी कॉइल का नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में है, कॉइल ऐसे है तो कॉइल का नॉर्मल तो यही होगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री पहले भी और थीटा 0 डिग्री बाद में भी, आप कॉइल का नॉर्मल बना के देख लेना यहां भी थीटा। तो ना तो मैंने थीटा में कोई चेंज किया, ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज किया, मैंने सिर्फ ना नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज किया, एक ही टर्न है, मैंने सिर्फ इसका उठा करके एरिया बदल दिया। तो यहां भी ईएमएफ डेवलप होगा, कितना ईएमएफ डेवलप होगा, तो ऐसे में ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखने की बजाय डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिख दिया करो, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी को कई बार सिर्फ टाइम ड्यूरेशन टी भी लिख देते हैं, भाई ये भी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम है, ये भी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम है, ये स्मॉल चेंज इन फ्लक्स इन स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, ये लार्ज चेंज इन फ्लक्स इन लार्ज टाइम ड्यूरेशन। तो मेरे बेटा
चेंज इन फ्लक्स क्या होता है बेटा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टी, माइनस को अंदर ले आओ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स अपॉन टाइम। अब इनिशियल फ्लक्स कितना था ये फॉर्मूला लगाओ, इनिशियल फ्लक्स था बी इंटू ए इनिशियल, और फाइनल फ्लक्स कितना है बी इंटू ए फाइनल अपॉन टी। कई बच्चे कहेंगे सर एन बी ए कॉस थीटा होता है, तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है, एक ही टर्न है, ऐसा तो है नहीं कि 10 20 50 टर्न बना रखे हैं, पहले भी एक टर्न है बाद भी एक टर्न है, तो एन की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से जीरो एंगल बना रहा है, और यदि नॉर्मल टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से जीरो एंगल बना रहा है, थीटा जीरो है तो कॉस जीरो भी 1 हो जाएगा। अब ये भी 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए रह गया, बी ए तो इनिशियल फ्लक्स बी ए, ए इनिशियल, फाइनल फ्लक्स बी ए, लेकिन क्योंकि ये फाइनल फ्लक्स है तो फाइनल एरिया। अब लेट अस चेक कि मुझे क्या क्या मालूम है, बी की वैल्यू तो शुरू में और बाद में एक ही थी तो बी कॉमन ले लो। अब कैलकुलेशन आप करना, बी को रख देना 2 टेस्ला, इनिशियल एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लेना 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके, फाइनल फ्लक्स 154, फाइनल एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर को फिर मीटर स्क्वायर में बदल लेना 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके, टाइम कितना समय लगा इसे शेप बदलने में 0.1 सेकेंड, तो टी को 0.1 सेकेंड रख देना, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। निगेटिव भी आ जाते हैं ईएमएफ के आंसर, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लेना, हमारा तो फॉर्मूला ही खुद निगेटिव है, ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाय डीटी, तो निगेटिव आ जाए तो मैग्नीट्यूड लिख देना, जैसे कभी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो ईएमएफ का आंसर -10 वोल्ट आ जाए तो लास्ट में लिख देना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज 10 वोल्ट। निगेटिव साइन क्यों आता है ये मैंने आपको लेंज रूल के समय बताया था, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इट अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, जिस कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा है ये उसका विरोध करता है, अपोज करता है, और जो अपोज करता है उसमें माइनस साइन लगा दिया जाता है और आ भी जाता है। तो आखिरी बार बोल के खत्म कर रहा हूं, यदि आप ईएमएफ का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो और आंसर पॉजिटिव आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव में छोड़ के मत आना, मैग्नीट्यूड ले लेना, मैग्नीट्यूड ले लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, वही फाइनल लिख के आना। तो मेरे बेटा अभी मैंने पहले बताया कि फ्लक्स चेंज करना, ईएमएफ बनाना हो तो फ्लक्स चेंज करो, फ्लक्स बी के चेंज होने से भी हो सकता है और एरिया के चेंज होने से भी हो सकता है, लेकिन एरिया का चेंज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है उसका चेंज जरूरी है शेप बदल के ही किया जाए, कई बार हम शेप बदले बगैर भी एरिया को चेंज कर सकते हैं, कैसे वो है मेरा केस टू, वो हमारा बेटा केस टू है, उसमें मैं एरिया चेंज करने का दूसरा तरीका बताऊंगा। ये मेरे पास बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल रख रखा है जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ए एरिया रखा हुआ है, इसकी लेंथ है एल। अब मैं इसको वी वेलोसिटी से बाहर खींचने लगा, मैग्नेटिक फील्ड में था ये सारा एरिया, मैं इसे बाहर खींचने लगा तो थोड़ी देर में ये इस साइड यहां आ गई, मतलब ये वाली साइड तो इधर पहुंच गई और ये इधर, पहले ये था एरिया अब यहां आ गया। तो यदि इस एरिया को देखा जाए तो पहले ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, भाई पहले देखा जाए ज्यादा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, अब जब ये बाहर आ गया तो कम एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इतना हिस्सा तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ही चला गया। समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, तो ये पहले सारा एरिया फील्ड के अंदर था, अब थोड़ा सा बाहर आ गया, यदि थोड़ा सा बाहर आ गया तो फील्ड के अंदर एरिया चेंज हो गया, और यदि फील्ड के अंदर एरिया चेंज हो गया तो यहां भी ईएमएफ डेवलप होगा,
कितना ईएमएफ डेवलप होगा बताते हैं, अभी बता रहे हैं दो मिनट के अंदर। पहले आप निकालो एरिया चेंज कितना हुआ, डीए लिख देता हूं, चेंज इन एरिया, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। पहले ये एरिया यहां था, अब ये यहां चला गया, यानी पहले फील्ड के अंदर था बाहर चला गया। इस हिस्से को क्यों नहीं देख रहे, ये पहले भी फील्ड के अंदर था ये वाला हिस्सा, और अब भी फील्ड के अंदर है। इतना हिस्सा पहले फील्ड के अंदर था, अब फील्ड के बाहर है, तो कितना चेंज इन एरिया हुआ। तो एक बात बताओ, ये कितनी डिस्टेंस चला होगा डीटी टाइम में, डीटी टाइम में कितने डिस्टेंस चला होगा। तो जवाब है वीडीटी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है v और टाइम दिया है मैंने सिर्फ इसे चलने के लिए dt। तो ये कितने डिस्टेंस बाहर आया vdt। तो एरिया कितना हो गया इसका जो चेंज हो गया, ये एरिया जो पहले फील्ड में था अब नहीं है, वो कहलाता है dA। ये dA है l into vdt, dA is equal to l vdt। तो dA by dt हो जाएगा lv। अब क्वेश्चन आता है यहां कितना ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डीटी। फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा। अब मत पूछना कि एन क्यों नहीं लगाया, बेटा नंबर ऑफ टर्न एक ही है, सिर्फ यहां पर एक ही क्वाइल है, एक ही क्वाइल है, बहुत 500 टर्न नहीं है, सिंगल टर्न क्वाइल है, तो एन नहीं लिखेंगे, वो है वन। बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। अब जीरो क्यों है वो आप समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने फिगर में दिखाया है वो इनवर्ड, और मेरे एरिया का नॉर्मल वो भी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया का नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के थीटा हमेशा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। थीटा किस किस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर यह आ गया, एन वन था थीटा जीरो था, तो एन हट गया कॉस थीटा हट गया दोनों वन। अब यहां जो बदला ही नहीं वो है मैग्नेटिक फील्ड, बी कांस्टेंट है, तो बी को आपने बाहर ले लिया, रह जाएगा डीए बाई डीटी, और डीए बाई डीटी पहले ही निकलवा चुका हूं एलवी। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड में मतलब आंसर यदि निगेटिव में आ रहा हो तो हमेशा मैग्नीट्यूड में लेकर के छोड़ना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ यदि लोगे, मॉडुलस लोगे, तो माइनस हटा देना और ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी। माइनस साइन सिर्फ ये साबित करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये अपोज कर रहा है, यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने को रोक रहा है और घट रहा है तो घटने को रोक रहा है और कुछ नहीं। किसी भी डेरिवेशन या किसी भी न्यूमेरिकल में निगेटिव आंसर मत छोड़ के आया करिए, आदत बना लो। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी। तो यदि ये रोड बाहर, ये प्लेट बाहर आ रही है, पिछले वाले एग्जांपल यानी केस वन में क्या था, बाहर नहीं आ रही थी, अंदर नहीं जा रही थी, उसकी शेप बदल रही थी, शेप बदलने वाले न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं बता दिया। यहां ये मोशन करके बाहर आ रही है, और यदि मोशन करके बाहर आ रही है तो ये कहलाता है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। मैंने आपको एक वीडियो में यह भी बता रखा है कि यदि एक अकेली रॉड v वेलोसिटी से बाहर आए तो उसमें भी ईएमएफ बीएलवी होता है, उसमें भी ईएमएफ बीएलवी होता है। तो जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ रखी हो उसे याद आ गया होगा, प्लेट बाहर आए या रॉड बाहर आए, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है बीएलवी। अच्छा एक चीज और, मान लो मैं आपसे कहता हूं बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड में रॉड, कोई रॉड एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी से चल रही है, तो ईएमएफ क्या डेवलप होगा। तो जवाब है बीएलवी। क्यों डेवलप होगा वो बता चुका ना, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स ऊपर और नीचे वगैरह करके, और यहां भी बीएलवी डेवलप होगा। मैं थोड़ा इस कंसेप्ट को और एनहेंस करूं, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई रॉड चलती है तो रॉड के कंडक्टिंग रॉड, तो उसके अंदर हर इलेक्ट्रॉन जो रखा हुआ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, और यदि हर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैं कह रहा हूं ईएमएफ तो बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप हो गया, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस किधर प्लस है किधर माइनस वो निकालना सिखा रहा हूं। आप ये बताइए यदि ये रॉड वी वेलोसिटी से आ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी वी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में आ रहा है, रॉड के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, याद करो बी वेलोसिटी फोर्स, याद है लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिज्म का या भूल गए? जिसका मैग्नेटिज्म छुटा हुआ है तो मेरे से वीडियो मांग लेना, मैंने सारी रिकॉर्ड कर रखी है। यह बी वेलोसिटी फोर्स, तो बी इनवर्ड है, वेलोसिटी राइट साइड है, फोर्स अपवर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन पर अपवर्ड लगना चाहिए, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड रूल बताए उसका उल्टा कर दो, बी इनवर्ड वेलोसिटी राइट फोर्स अप। तो लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे ऊपर फोर्स लगना चाहिए, तो ऊपर नहीं नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर यदि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, एक पर थोड़ी, सभी इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो नीचे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे और ऊपर शॉर्टेज हो जाएगी। जहां एक्सेस हो जाएगी वो निगेटिव पोटेंशियल, और जहां शॉर्टेज हो जाएगी पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी ये जो मेरा वायर है वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसमें ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, नीचे निगेटिव पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस है बीएलवी। यदि मैं एक बल्ब को इसके साथ जोड़ दूं, तो बल्ब के एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और एक तरफ निगेटिव पोटेंशियल के कारण बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। तो आप तो एक बात समझ लो, यदि कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, तुमसे कहें कि ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो जवाब है बीएलवी। कितना डेवलप होगा? बीएलवी। और ये रॉड दुनिया के लिए रॉड है, मेरे लिए एक बैटरी है, मेरे हिसाब से ये बीएलवी वोल्टेज की बैटरी है। दुनिया कहेगी रॉड है ये, मैं कहूंगा ये बैटरी है। अरे ये तो समझ में आ गया कि यदि कोई स्क्वायर लूप मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, स्क्वायर लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, तो ईएमएफ डेवलप होगा बीएलवी। अब मैं इस चीज की गहराई में घुस जाऊंगा, ये स्क्वायर लूप जो हमारा है, रेक्टेंगुलर लूप जो है, इसकी चार साइड है, 1 2 3 4। क्या ये जो ईएमएफ बीएलवी डेवलप होगा ये चारों साइड में डेवलप होगा? क्या ये ईएमएफ जो बीएलवी डेवलप होगा चारों साइड में डेवलप होगा? उसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाता हूं। जो ये सपोर्टिंग वीडियो देता हूं, तो हर चैप्टर में 8-10 दिन का समय बचा लेते हैं न्यूमेरिकल फालतू करने के लिए और एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने के लिए, इसलिए उनको हल्के में मत लिया करो। अभी तो इस चैप्टर में और भी वीडियोस भेजूंगा, अभी मैंने रोक रखी है, पहले इसमें पक्का कर लो, यहां तक का पक्का हो जाए, फिर मैं और वीडियोस दूंगा। मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं, सुनिए, आपने जब डेरिवेशन करा था, अब जो बताऊंगा वो न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, थ्योरी में भी और कंपटीशन में भी। यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रॉड, एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी से चलती है, तो ईएमएफ डेवलप होता है बीएलवी। पहला केस। दूसरा, यदि मेरे मैग्नेट, लेकिन शर्त यह है बी एल और वी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेंथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसी चीज के ऊपर हमें अब 5-10 मिनट और समय लगाना है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई रॉड जिसकी लंबाई है L, लेंथ है L, वो V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चले, तो लेकिन ये वाली रॉड तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जा रही थी, रॉड की लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थी। अब की बार रॉड इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब की बार उसकी लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पर झुकी हुई है। तो ऐसे में ईएमएफ कितना डेवलप होता है वो कैसे निकालें? तो फॉर्मूला लगाएंगे बीएलवी, लेकिन एल किसे लेंगे? असली कलाकारी यही है। एल निकालने का तरीका है कि अपर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन बनाओ, लोअर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन बनाओ, अपर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, लोअर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस को एल लिया जाएगा।
या यदि ये डी है तो आपको डी लगाना पड़ेगा, यानी ईएमएफ का फॉर्मूला होगा बी डी वी, बी डी वी। अब ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से डी अपॉन एल साइन थीटा है, यदि डी अपॉन एल साइन थीटा है तो डी की वैल्यू एल साइन थीटा है, तो डी की जगह आप रख दोगे एल साइन थीटा, कहने का मतलब तब फॉर्मूला हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा। ये कब लगेगा? जब लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और ये कब लगेगा? जब लेंथ वेलोसिटी से थीटा एंगल पर है, बी एल वी साइन थीटा। जिसे ये कंसेप्ट पता चल गया उसे मालूम है कि ईएमएफ का असली फॉर्मूला यही है, बस एल निकालने का तरीका सीखना है। पॉइंट नंबर थ्री, कई बार कंपटीशन में आ जाते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सेमी सर्किल फ्री वेलोसिटी से जा रहा है, ईएमएफ बताओ, क्या यहां भी ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल वी लगेगा? तो जवाब है बिल्कुल सही कहा आपने, लगेगा। लेकिन एल कैसे लेंगे? अपर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, लोअर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, उनके बीच की सेपरेशन को यहां रखा जाएगा एल की जगह। लेकिन उनके बीच की सेपरेशन तो डायमीटर है, यानी कि 2r, और यदि ये डायमीटर है 2r तो यहां 2r रखा जाएगा और ईएमएफ का फॉर्मूला होगा बी इंटू 2r इंटू बी। इतना तो नहीं था ना उन वीडियो में, वो वीडियो बेस बनाने के लिए थी, स्ट्रॉन्ग तो लाइव में कर रहा हूं, और ये सारी लाइव अधिकतर हिडन रहती है मेरी, मैं ओपन नहीं करता, कोई ओपन कोई क्लोज, मतलब 20% ओपन रखता हूं यूट्यूब पर, 80% छुपा के रखता हूं। तो ये है ईएमएफ का फॉर्मूला। चौथा, यदि कोई वायर इस तरह से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या ईएमएफ होगा? जो बच्चे रेक्टिफिकेशन वाले हैं उनके लिए तो मुश्किल काम है, लेकिन जो समझदार मेरे तरीके से चलेंगे उनके लिए बहुत आसान है। ये डायमीटर है 2r, अपर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, लोअर मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, ड्रॉ करिए ईएमएफ का फॉर्मूला, बी एल वी लगाइए। लेकिन एल किसे रखोगे? जो ये दो पैरेलल लाइन आई है उनके बीच के डिस्टेंस को आप यहां रखेंगे। अब की बार तो ये डिस्टेंस 2r नहीं है, अब की बार यदि ये डिस्टेंस 2r नहीं है तो d अपॉन 2r से d निकालूंगा, तो d अपॉन 2r है साइन थीटा, और यदि d अपॉन 2r है साइन थीटा तो d हो जाएगा 2r साइन थीटा, d हो जाएगा 2r साइन थीटा, d हो जाएगा 2r साइन थीटा, यही आंसर है। तो अब तो मुझे किसी भी शेप का वायर दे दो यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा, यदि मेरे से कहा एक तीन क्वार्टर सर्किल जिसकी रेडियस r है वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से जा रहा है, ईएमएफ का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा बी एल वी, बस l को ही तो ढूंढने की बात है, जो समझदार बच्चे हैं वो तो इतनी देर में समझ चुके हैं। इसके पहले सिरे से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, दूसरे सिरे से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, तो बस बी आर वी। छठा पॉइंट, यदि कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल, मतलब किसी रॉड की लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए, रॉड की लेंथ ही वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए, तो उसमें ईएमएफ डेवलप ही नहीं होता। बी एल वी फॉर्मूला लगाओ, लेकिन L क्या लोगे? पहले एंड से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, दूसरे एंड से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन, उनके बीच का गैप लोगे, लेकिन उनके बीच का गैप तो जीरो है, तो ईएमएफ डेवलप ही नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं होगा, जीरो। अच्छा, इसे लॉजिकली समझाऊं, फॉर्मूले से तो समझ लिया। अच्छा सोच, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब एक किनारे पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाए और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है तो इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, B इनवर्ड वेलोसिटी राइट, फोर्स अप, दिखेगा आप लगेगा डाउन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है।
अब इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा लेकिन वो वायर से कूद के बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो नहीं चल पाएगा। क्या वो इस किनारे पर पहुंचेगा? नहीं। क्या वो उस किनारे पर पहुंचेगा? नहीं। वो तो नीचे जाना चाह रहा है और उसका रास्ता नहीं मिल रहा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो इस किनारे पर पहुंच के एक्सेस बनाएगा ना इस किनारे पर पहुंच के एक्सेस बनाएगा, तो कोई सिरा नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होगा, कोई सिरा पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो। जो रॉड मैग्नेटिक मतलब वेलोसिटी के पैरेलल होती है उसमें ईएमएफ नहीं बनता। अच्छा, अब मैं आपको जरा वो कंसेप्ट जो मैंने बताया था कि एक रेक्टेंगुलर लूप एल लेंथ का लूप वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया था, याद है आज के डेरिवेशन में अभी करवाया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया था, उसमें मैंने प्रूफ करा था अपने तरीके से कि ईएमएफ डेवलप होगा बीएलवी। लेकिन मेरा ये वाला लॉजिक इतना बढ़िया है कि ये बता सकता है कि कौन सी साइड में वो ईएमएफ डेवलप होगा। चार साइड है, इस वाली साइड को देखें तो इसकी लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं हो सकता। ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं हो सकता। ये साइड तो मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है, और यदि ये साइड मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड में चल ही नहीं रही, और यदि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं चल रही तो ईएमएफ तो डेवलप ही नहीं होगा। जहां बी जीरो तो वहां तो मैग्नेटिक ईएमएफ तो वैसे ही जीरो हो गया, तो इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल, इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं हो सकता लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल, इसमें नहीं हो सकता, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। सिर्फ इस वाली रॉड में ईएमएफ डेवलप होगा कितना? बीएलवी। ये वाला केस बिल्कुल इस वाले केस जैसा है, बी इनवर्ड लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, सिर्फ इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और तो और यहां तो तुम और भी ज्यादा नॉलेज ले सकते हो, यानी कि ये वाला जो वायर है दुनिया के लिए रॉड होगा, मेरे लिए ये बैटरी बन जाएगा। जरा सोच बैटरी का नेगेटिव किधर होगा, नीचे या ऊपर? तो मेरे बेटा बी इनवर्ड वेलोसिटी राइट फोर्स अप, लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं, बी अंदर की तरफ वेलोसिटी राइट की तरफ फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स दिख रहा है ऊपर लगेगा नीचे। यदि फोर्स नीचे लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चलने लगेंगे, तो नीचे तो आ जाएगा निगेटिव पोटेंशियल और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आप इस वायर को एक बैटरी मान सकते हो जिसमें नीचे निगेटिव प्लेट है ऊपर पॉजिटिव प्लेट है। ये वायर दुनिया के लिए वायर है, मेरे लिए एक बैटरी है, वो बैटरी जिसका ईएमएफ बीएलवी है। क्या इतनी नॉलेज पुरानी थ्योरी से हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। इनके लिए चाहिए समय, और बोर्ड की क्लास में समय ज्यादा किसी के पास है नहीं, तो वो हम बचाते हैं थ्योरी में से, थ्योरी की वीडियो भेज भेज करके। आसान आसान पॉइंट वीडियो से समझ लो, टिपिकल टिपिकल आमने सामने बैठ के बात करेंगे। और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि तीन दिन तक वीडियो देखी नहीं कि सर तो भेज ही देंगे, और एक दिन तीनों बैठ के देख ली, खोपड़ी के ऊपर से बाउंसर जाते हैं बेटा। उसे पढ़ाई नहीं कहते, उसे काम पूरा करना कहते हैं। डेली का डेली पढ़ोगे तभी मजा आएगा। समझ में आ गया ईएमएफ का फॉर्मूला, बीएलवी का क्या रोल है? एक और बता दूं तो बीएलवी का फुल कंसेप्ट आपको बता दिया। अब आता है, यानी कि जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो ईएमएफ तो भाई डेवलप होगा। कितना ईएमएफ डेवलप होगा? फॉर्मूला तो बीएलवी है। अब एल की वैल्यू कितनी होगी वो तो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बताया, अपर एंड लोअर एंड सबका हिसाब रखते हुए। अब मान लो अगला केस, मान लो बेटा एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पर फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ की रॉड घूमने लगे, तो भाई देख मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड चल तो रही है, और यदि रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है तो ईएमएफ तो डेवलप होगा बीएलवी। बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, एल इसकी लेंथ है, वी क्या है? तो जब रोटेशन होता है तो वी का फॉर्मूला है आर ओमेगा,
आर क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन। अब एक बात बता, रॉड का कोई मॉलिक्यूल कम ऑर्बिट में घूम रहा है कम रेडियस में, कोई मॉलिक्यूल ज्यादा रेडियस में घूम रहा है, रॉड का ये हिस्सा ज्यादा रेडियस में घूम रहा है, रॉड का ये मॉलिक्यूल और ज्यादा रेडियस में घूम रहा है, अपर मोस्ट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रेडियस में घूम रहा है। तो रॉड का हर मॉलिक्यूल अलग रेडियस में घूम रहा है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस में घूमता है उसे असली रेडियस माना जाएगा। सेंटर ऑफ मास घूम रहा है एल बाई टू रेडियस में, और यदि सेंटर ऑफ मास एल बाई टू रेडियस में घूम रहा है तो यहां एल बाई टू आएगा, यानी ईएमएफ का फॉर्मूला होगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। यही है ईएमएफ का फॉर्मूला जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमे। यदि कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो ईएमएफ का न्यूमेरिकल के लिए भी बता दिया मैंने, फॉर्मूला लगाओगे बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। अच्छा, यदि फिर कोई पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ, बेटा इसका मतलब हुआ कि दुनिया के लिए रॉड है, मेरे लिए बैटरी है। अब बैटरी है तो निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल कहां है वो भी मैं बता सकता हूं। आप बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखो, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से, ध्यान से सुनना, वी इनवर्ड वेलोसिटी दिस साइड। आप खुद जब तक लेफ्ट हैंड लगा के नहीं देखोगे तब तक नहीं आनेगा। बी वेलोसिटी फोर्स दिख रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ रॉड में ऊपर की तरफ, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो वो नीचे की तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भागेंगे, और यदि सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भागेंगे तो नीचे निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। तो मेरी नजर में ये एक बैटरी बन चुकी है जिसमें नीचे निगेटिव पोटेंशियल है ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, और इस बैटरी का ईएमएफ है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। क्या है बैटरी का ईएमएफ? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। एक बार बेटा कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा गया कि एक साइकिल का व्हील है जिसमें कई सारे स्पोक्स हैं, जैसे कभी दो दे दिए, चार दे दिए, छह दे दिए, 11th 12th में भी आ चुका है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो बताओ ईएमएफ कितना डेवलप होगा? तो जवाब है ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। चाहे दो स्पोक हो तो भी, तीन स्पोक हो तो भी। अब ऐसा क्यों हो गया मेरे बेटा? ये वायर एक बैटरी बन गया जिसका ईएमएफ है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, ये वायर भी बैटरी बन गया जिसका ईएमएफ है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, ये वायर भी बैटरी बन गया, बैटरी के समान है, जिसका ईएमएफ है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। लेकिन आपने नोटिस किया ये सारी बैटरी पैरेलल में, पैरेलल किसे कहते हैं भाई? यदि बैटरी के निगेटिव से निगेटिव जोड़ दो, पॉजिटिव से पॉजिटिव आपस में जोड़ दो तो पैरेलल होते हैं, और याद है पैरेलल में ना वोल्टेज ऐड होती है ना डिवाइड होती है, कांस्टेंट रहती है। तो तुम देखो ये जो तीन बैटरी हैं, तीनों के निगेटिव एक साथ एक ही पॉइंट पर आकर जुड़ गए, और तीनों के पॉजिटिव एक साथ घूम करके आपस में जुड़े हुए हैं। तो यदि तीनों के निगेटिव एक साथ जुड़े हुए हैं, तीनों के पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों बैटरी पैरेलल में है, और चाहे तीन बैटरी पैरेलल में हो और चाहे 3000 बैटरी पैरेलल में हो, यदि सारी बैटरी पैरेलल में है तो भैया ईएमएफ ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि यहां 10 स्पोक है, 20 स्पोक है, 50 स्पोक है, तो भाई नंबर ऑफ स्पोक तो देखना ही नहीं, फॉर्मूला लगा देना है ईएमएफ का बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। एक रॉड घूमे तो भी, और 10 घूमे तो भी, और 50 घूमे तो भी। अच्छा, कई बार वो और चालू पंक्ति पे आ जाते हैं, वो डिस्क दे देते हैं। एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है और वो डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। अब ईएमएफ बताओ। तो एक बात बताऊं, दुनिया की नजर में डिस्क है, मेरे नजर में बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू ही होना चाहिए। आप ये मान सकते हो कि डिस्क जो है इनफाइनाइट स्पोक है। अच्छा सोचो, मान लो मैं एक स्पोक के बिल्कुल टच करके दूसरा स्पोक लगा दूं, उससे टच करके तीसरा स्पोक, जरा भी जगह खाली नहीं, टच करके चौथा स्पोक, टच करके पांचवा स्पोक, छठा स्पोक, सातवा स्पोक, आठवा स्पोक,
और मैं रुकू ही ना, लगाता ही चला जाऊं तो एक समय पूरी डिस्क तैयार हो जाएगी जिसमें कोई जगह खाली नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये डिस्क नहीं, इनफाइनाइट स्पोक्स है और नंबर ऑफ स्पोक का फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे 10 स्पोक हो या 10 लाख स्पोक हो या इनफाइनाइट स्पोक हो, ईएमएफ तो एक ही स्पोक का होगा, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। लेकिन इसमें बस आयल की जगह है, क्योंकि यहां तो आप रॉड की लेंथ लेते थे, स्पोक की लेंथ लेते थे, अब यहां स्पोक की लेंथ की बजाय डिस्क की रेडियस लग देते हैं, तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। क्या ईएमएफ का फॉर्मूला? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। अभी जब ये आज का लेक्चर हो जाएगा ना, तो मैं कल के पुरानी 6 वीडियो में से एक वीडियो आपको रिवाइज करने के लिए भेजूंगा, आपकी देखी भी होगी, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड कल कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस ढंग से समझने के लिए 6 की 6 नहीं कह रहा, एक वीडियो में आपको भेजूंगा कि उसे दोबारा से पढ़ लो, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आ रहा है, तो आप उसे दोबारा से पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा समझ में, और फिर कल मैं उससे आगे पढ़ाऊंगा। क्या फायदा, वही बेसिक ही बताते रहो। पता है बोर्ड में बच्चे टॉप क्यों नहीं करते? बेसिक बस पढ़ते रहते हैं, उन्हें लगता है हो गया, हर टॉपिक का नाम आंखों के सामने से गुजर गया कि हो गया। अरे कहने को आज मैंने अभी क्या करवाया कि ईएमएफ कैसे डेवलप होता है, बाई चेंजिंग बी, बाई चेंजिंग ए, और अब मैं तीसरा केस बताने जा रहा हूं, बाई चेंजिंग थीटा। मेरे बेटा, यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रख दें, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ है, अब आप कॉइल को घुमाने लगे, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने लगे, तो भी ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस बी फाइ बाई डी टी, और फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस थीटा। इस बार मैं एन टर्न्स की कॉइल ले रहा हूं, एन क्या है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया ऑफ द कॉइल, इन तीनों को तो मैं छूंगा नहीं, ना मैं मैग्नेटिक फील्ड बदलने वाला, ना नंबर ऑफ टर्न्स बदलने वाला, और ना कॉइल का एरिया, मैं थीटा बदलूंगा, यानी कि कॉइल को घुमाने लगूंगा। जब कॉइल घूमेगी तो थीटा चेंज होगा, इस समय कॉइल का नॉर्मल फील्ड के पैरेलल है, थोड़ी देर में कॉइल घूम गई तो थीटा की वैल्यू बदल गई, अब कॉइल का नॉर्मल फील्ड के पैरेलल नहीं है, थीटा की वैल्यू 0 की बजाय कुछ और हो गई, मैंने कॉइल को यहां घुमा दिया तो कॉइल का नॉर्मल अब फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया, जब तक कॉइल घूमती रहेगी तो थीटा चेंज होता रहेगा, तो ये कहलाता है बाई चेंजिंग थीटा। और एक बात सुन ले मेरे लाल, दुनिया में आप लोग जितनी बिजली का प्रयोग करते हो उसका 99% बाई चेंजिंग थीटा ही मिलता है आपको, जितनी इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करते हो उसका 99% बाई चेंजिंग थीटा से मिलता है, कॉइल को घुमा के मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गए, एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, एन बी ए, कई बच्चे गलती करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं बेटा ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए, ये बात जिस पर मैथ से वो तो जानता है, यदि ये होता है डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा तो माइनस साइन थीटा था, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, इस डी टी को यहां खिसका दो, डी टी को अलग रख दो, डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई, अब हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, भाई एंगुलर स्पीड जो होती है या तो थीटा पॉइंट टी कह लो या डिफरेंशियल में करो तो डी थीटा बाई डी टी कह लो, क्लास 11th का है इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा। तो ईएमएफ डेवलप होता है, माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, ये ईएमएफ बन गया। क्या ईएमएफ? एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। आप कहोगे थीटा नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा, थीटा को लिखूंगा ओमेगा टी, कुछ चीजों को लिखने के स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, है थीटा ही, ओमेगा है थीटा पॉइंट टी, तो थीटा बराबर है ओमेगा टी के। क्वायल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो फॉर्मूला लगेगा एन बी ए ओमेगा ईएमएफ का साइन ओमेगा टी। इस फॉर्मूले में
जो पीक वैल्यू यदि मैं ईएमएफ की पूछूं, हमारे घर में आने वाला ईएमएफ यही है, क्वाइल को घुमाना है बस और ईएमएफ बनना है। तो डैम पर क्या होता है, बहुत बड़ी क्वाइल को पानी डाल के घुमाया जाता है और जब क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है ईएमएफ बनता है। आपके घर के जो जनरेटर है उसमें एक क्वाइल को डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से घुमाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और ईएमएफ डेवलप होता है। आप ज्यादातर बिजली कहां से लेते हो, डैम से लेते हो या आप डीजल घर के जनरेटर से लेते हो? कई लोग कहते हैं सर कोयले से भी तो बिजली बनती है। बेटा कोयले से एक इंजन चलाया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, और वो इंजन क्वाइल को घुमाता है और क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी हमारी 99% से ज्यादा जरूरतें क्वाइल के घूमने से बन रही है और क्वाइल के घूमने से जो ईएमएफ बनता है उसका फॉर्मूला है एनबी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हमारे घर में आने वाली वोल्टेज, हमारे घर में आने वाली ईएमएफ का फॉर्मूला है एनबी ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया? इसकी पीक वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू तो तुम्हें मालूम है साइन के आगे चाहे अल्फा हो या साइन बीटा हो या साइन ओमेगा टी हो, उसकी पीक वैल्यू कौन होगी? तो ईएमएफ की पीक वैल्यू होती है एन बी ए ओमेगा। मैंने साइन ओमेगा टी को वन ले लिया तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा। यानी कि न्यूमेरिकल यदि पीक ईएमएफ का है तो ये लगाना और नॉर्मल ईएमएफ का है तो ये लगाना। यानी आप एन बी ए ओमेगा को ई नॉट लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ हमारे घर में आने वाली ईएमएफ कौन सी है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन एन बी ए ओमेगा को तो ई नॉट लिख सकते हैं, तो हमारे घर में आने वाली ईएमएफ है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। घर में आने वाली ईएमएफ को वोल्टेज भी कहते हैं, तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी फॉर्मूला कुछ बुक्स में मिलेगा, कुछ बुक्स में कैपिटल ई लिख रखा है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपके घर की सभी चीजें इसी ईएमएफ से या वोल्टेज से बनती है। कई बच्चे कहेंगे सर वोल्टेज और ईएमएफ में तो अंतर होता है। बिल्कुल होता है, V इक्वल टू E माइनस IR होता है, जहां R इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमारे घर की जो वायरिंग है वो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस वाले वायर से होती है, यानी कि स्मॉल R की वैल्यू नेग्लिजिबल है, जिसे हम जीरो मान लेते हैं। और यदि वोल्टेज स्मॉल R को जीरो मान लें तो IR तो खत्म हो गया, और जब IR खत्म हो गया तो वोल्टेज और EMF सेम है। तो आपके पूरे चैप्टर में आप चाहे वोल्टेज लिखो या ईएमएफ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी लिखो या ई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बुक्स ने सारा जगह वी लिख रखा है, कुछ बुक्स ने सारी जगह ई लिख रखा है। मैं कहीं वी लिखूंगा कहीं ई, ले तुम्हें एक बार बता दिया, बच्चा समझदार है। स्कूल वाले टीचर कहे वी लिख दो तो वी लिख दो, ई लिख दो तो ई लिख दो। है हमारे घर में आने वाली वोल्टेज का फॉर्मूला। इसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्यों कहते हैं? ओमेगा टी दरअसल है तो थीटा ही। जरा इसका ग्राफ बना के देखो, थीटा वर्सेस ईएमएफ का। थीटा जीरो पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू, टू पाई एंड सो ऑन। ओमेगा टी को थीटा रख दिया, थीटा जीरो साइन जीरो जीरो ईएमएफ जीरो, थीटा पाई बाय टू साइन पाई बाय टू वन, वन इंटू ई नॉट ई नॉट, थीटा पाई साइन पाई जीरो जीरो इंटू ई नॉट जीरो, थ्री पाई बाय टू साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन, माइनस वन इंटू ई नॉट माइनस ई नॉट। ये हमारे घर की वोल्टेज का ग्राफ है। हमारे घर की वोल्टेज बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, और ये हमारे वोल्टेज का फॉर्मूला है, ईएमएफ का फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें साइन आ रहा है तो इसे साइन वेव बोलते हैं, साइन वेव, क्योंकि इसके फॉर्मूले में साइन आ रहा है। ठीक है, तुमने सुना भी होगा साइन वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर यानी जो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी पैदा कर सके, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी बना सके। ये हमारे घर में बनने वाली वोल्टेज या ईएमएफ का फॉर्मूला है, आने वाली वोल्टेज। हमारी हर डिवाइस को यही ईएमएफ मिलता है, चाहे हमारे घर में लगी ट्यूबलाइट हो या एसी हो या बेडरूम कुछ भी हो, सबको। अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ कि 99% से ज्यादा जरूरतें हमारी क्वाइल से पूरी होती हैं, 1% किससे होती है? बेटा केमिकल एनर्जी से। बैटरी लगाते हो आप लोग,
बाजार से पेंसिल सेल खरीद के लाए, लगा लिए, वो खत्म हो गए। घर के इन्वर्टर की बैटरी को, मतलब इन्वर्टर की बैटरी तो कॉइल से ही एनर्जी पा रही है, इन्वर्टर चार्ज कैसे करता है बैटरी को? घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, डैम से जो करंट आ रही है, कॉइल के घूमने से जो करंट आ रही है, उसी की हेल्प से चार्ज करता है। तो बैटरी जो हमें एनर्जी दे रही है वो तो कॉइल से लेकर के ही एनर्जी दे रही है। लेकिन जो पेंसिल सेल बाजार से बने बनाए पेंसिल सेल आते हैं, खिलौनों में डालते हो, घड़ियों में डालते हो, वो तो इनसे नहीं ले रहे जो रिचार्जेबल नहीं है। तो वही बस 1% मैंने छोड़ दिया, नहीं तो सच्चाई तो ये 99.99% जो एनर्जी हमारी है वो बाई चेंजिंग थीटा है। तभी E=E₀ sin ωt इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, जितने भी कंसेप्ट आएंगे, सब में इनका प्रयोग होने वाला है, सभी में। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूं, सब में इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो बाई चेंजिंग बी, बाई चेंजिंग ए, बाई चेंजिंग थीटा, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मेरे बेटा एक तरह के क्वेश्चन और बता दूं, वो क्वेश्चन ये है, बस अब एंड आया आज के टॉपिक का, कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक यू शेप का वायर है फिक्स, इसके ऊपर एक रॉड है, सब कुछ कंडक्टिंग है, और यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, यदि इस रॉड को वी वेलोसिटी से खींचा जाए तो कितनी हीट बनेगी? जेई का न्यूमेरिकल है लेकिन कितना आसान है, मैं आपको अभी एक मिनट में बता दूंगा। कितनी हीट बनेगी हर सेकंड, किस रेट से हीट बनेगी? एक बात बता, जिसने मेरे लॉजिक पढ़ रखे हैं, ईएमएफ डेवलप होगा बीएलवी ना, तो इस वायर में डेवलप होगा रुकी हुई है, ना इस वायर में पैरेलल होगा रुकी हुई है, ना इस वायर में पैरेलल होगा रुका हुआ है। वेलोसिटी तो चाहिए, जहां वेलोसिटी नहीं है उसमें नहीं, सिर्फ इस रॉड में ईएमएफ डेवलप होगा। कितना डेवलप होगा भाई? क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो यदि लेंथ को एल मान लिया जाए तो लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो बीएलवी होगा। यदि बीएलवी ईएमएफ डेवलप होगा तो करंट कितनी डेवलप होगी? तो करंट होती है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, भाई जैसे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी बीएलवी अपॉन आर। समझ में आ गया? तो हीट मतलब पावर लॉस्ट एज हीट, हीट कितनी पैदा होगी हीट पर सेकेंड, तो ये 9-10 में पढ़ा होगा पावर मतलब लॉस्ट एज हीट, हीट होती है आई स्क्वायर आर, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, पावर लॉस्ट एज हीट आई स्क्वायर आर। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, यानी बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से आर कट गया तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर गुणा आर, ये हीट बनेगी। कई बार पूछते हैं इसे चलाने के लिए कितना फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, तुम्हें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, यहां सिर्फ इस रॉड को कंसीडर कर, इसके अलावा कुछ नहीं, आई एल बी साइन थीटा में थीटा 90 है, बाकी सब रुकी हुई है। तो आई कितनी है बी एल वी अपॉन आर एल बी, तो फोर्स लगाना पड़ेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और पावर जो होती है हमें कितनी पावर लगानी पड़ेगी, तो याद करो पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स तो ये है, इसमें बस वी और मल्टीप्लाई कर दो, वी और मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। भाई ये तो एक ही आ गया, जितना हमने इसे खींचने में पावर लगाई उतनी हीट हर सेकंड बन गई, यानी हम खींचने में जो मेहनत करते हैं वो सारा हीट बन के बेकार हो जाता है। आप इसे खींचते हो तो करंट पैदा होती है, करंट रेजिस्टेंस में से जाती है, और जब करंट रेजिस्टेंस में से जाती है तो हीट पैदा हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
आज के लिए इतना ही। वीडियो में थोड़ी बहुत देर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे अपने टाइम पर।